दोस्तों नमस्कार, मैं हीरू थडानी। आज मैं 21 दिन का लॉकडाउन हमें पूरा करना है घर पे बैठ के, उसकी कुछ चर्चा करूंगा आपसे। आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाए 21 दिन में। पहले तो हमें ये देखना है कि अपनी जो इम्यून सिस्टम है उसको एनहेंस करना है, उसको मजबूत करना है। और ये जरूरी है इस टाइम में, इस वक्त में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, शरीर की ताकत मजबूत है। आप मजबूत हैं तो जो वायरस फैल रहे हैं वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। और उसके लिए आपको खाना जो खाते हैं आप वो बिल्कुल तंदुरुस्त और बैलेंस खाएं, जिसमें कुछ ताकत हो, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और उसके साथ आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं, गार्लिक यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं उससे आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा। दूसरी बात है कि आपको कसरत करना ज़रूरी है इस टाइम में। वैसे भी कसरत करना ज़रूरी है हम लोगों को। हम लोग कसरत करते हैं तभी जाके अपना इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होता है। कसरत के लिए कोई बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है, जिम में जाने की गुंजाइश नहीं है, कि जिम में तो आप जा भी नहीं सकते हो। और इस चीज़ को लेके हमको घर पे एक टाइम शेड्यूल बनाना है एक्सरसाइज करने का, और उस पे हम अमल करें। 30-40 मिनट का रहता है, आप दो भाग में भी कर सकते हैं। आप बैठक कर सकते हैं, आप डंड मार सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, आप कुछ वेट्स कर सकते हैं, तो एक्सरसाइज जरूर करिएगा। तीसरी बात जो है, आप अच्छा सोइए ठीक तरह से। 6-7-8 घंटा करीबन आप साउंड स्लीप होनी चाहिए, आपको शांतिपूर्वक नींद आनी चाहिए, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप रिचार्ज हो जाएंगे। चौथी बात है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रीदिंग है वो आप 15-20 मिनट की ब्रीदिंग करें, सांस रोकें, और बाकी जो एक्सरसाइज है योगा के हिसाब से योगा करें। 15-20 मिनट योगा सक, उसमें से आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी ब्रीदिंग भी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मिला के आपकी इम्यूनिटी को बहुत फायदा होगा। दूसरी बात है कि इस वक्त का मौका उठाइए, अपने कुटुंब के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठें, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम वक्त उनसे स्पेंड करें। उनके साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं, कई इंडोर्स गेम्स हैं उनसे प्ले कर सकते हैं, गपशप मार सकते हैं, टीवी साथ में देख सकते हैं, तो एक फैमिली फेलोशिप हो जाएगी, जो जिसको नेटवर्किंग बोलते हैं फैमिली से, जो काफ़ी वक्त से नहीं हुई है, क्योंकि सब भी मेंबर्स जो हैं फैमिली के बिजी हैं अपने अपने काम में। तो अभी आपको मौका है कि उसको थोड़ा सा संवारे, अपने रिश्ते संवारे, अपने इमोशंस को थोड़ा सा संवारे, आगे चल के उसका फायदा होगा। फिर इसके बाद जो आपके सपने हैं, कई बार हमारे सपने अधूरे हो जाते हैं क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं काम में, सारा वक्त घर गृहस्थी में लगे रहते हैं, आने जाने में वक्त लग जाता है काम से, तो कुछ वक्त नहीं मिलता है। कभी ख्वाहिशें होती हैं कि भाई मैं कुछ गाना गाऊं, मैं कुछ नाच सीखूं, कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना सीखूं, कोई मिमिक्री करूं, ये सब चीज़ें हमारे दिल में रहती हैं पर हमको वक्त नहीं मिलता। अभी आपके पास वक्त है, आप इसकी शुरुआत जरूर कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगे, बंसरी लगती है बंसरी चलाइए, गाना गाना तो गाना गाइए, पर आगे चल के ये इसमें एक्सपर्ट तो नहीं हो जाएंगे 21 दिन में, पर जरूरी आप आगे चल के आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। आप स्टेज पे गा सकते हैं, आप प्लेबैक सिंगिंग कर सकते हैं, बहुत कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। और आखिर में बंदगी,
जो जरूरी है हम लोगों के लिए, एक तो वो भगवान की हो, खुदा की हो, क्राइस्ट की हो, गुरु नानक की हो, जिसकी भी आप बंदगी करते हैं, जो भी धर्म है आपका वो आप करिए जरूर, उसको कुछ टाइम वक्त दें उसके लिए, क्योंकि उससे एक तो मन की शांति मिलेगी आपको, उसको अच्छी तरह से याद करिएगा और आप उनको याद करेंगे तो वो आपको याद करेगा, आप उनको याद नहीं करोगे तो वो याद नहीं करेगा। पर जरूरी है कि आप अपने काम करते रहिए, अपनी कोशिश करते रहिए। इंसान जो कोशिश करता है, जो काम करता है, उसको ही खुदा मदद करता है, ये समझ लीजिए आप। तो बस ये चार चीजें जो हैं मैंने आपको बताई हैं, मेरे को लगता है कि आप इनको अमल करेंगे तो आपके ये सारे 21 दिन बहुत अच्छे गुजरेंगे और बहुत आपको अच्छा लगेगा आगे चल के भी, और आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी आगे। कल कोई दूसरा नया एक्सटेंडेड लॉकडाउन आ जाता है तो उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं ब्यूटीफुली। खुश रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए, गाते रहिए। नमस्कार, थैंक यू।